दोस्तों हम फिर लेके आ गए हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 की कक्षा 3 का गणित का छठा चैप्टर, जिसका नाम है लेने देने का खेल। आप इस प्रकार के नाम से भलीभांति परिचित हैं पहले भी, जैसे हम किस प्रकार के लेन देन करते हैं अपने दैनिक जीवन में और किस प्रकार से जो हम रुपया जो है या किसी किसी देश का जो है, हर देश का अलग अलग होता है। जैसे डॉलर होता है अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में रुपया होता है, पाकिस्तान में भी रुपया ही कहते हैं, बांग्लादेश में टका कहते हैं। आप यहाँ तक कि आप अगर पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे तो वो लोग भी रुपया को टका ही कहते हैं। तो इस रुपये का जो मूल्य है कि आपको कुछ भी खरीदना है आप उसको रुपये में परिवर्तित कर सकते हैं, और रुपया आपको एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। ऑनलाइन आप बैंकों में रख सकते हैं, बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कोई और चीज में अगर लेन देन करना चाहेंगे तो इतना सरल नहीं होगा, इसलिए रुपया हम इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि एक लेन देन का एक महत्वपूर्ण हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही सरलता देता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न है यहाँ पर। गीता के बटुए में 368 रुपए हैं, उसने 123 रुपए की किताब खरीदी, उसके बटुए में अब कितना पैसा बचा? उसके बटुए में बचे हुए पैसे कितने होंगे? जब उसने कोई चीज खरीद लिया है तो यानी पैसे कम हो जाएंगे। 368 में से 130 रुपए की तो जो उसने है किताब ले ली, ठीक है। तो अब उसके पास जो शेष बचा है, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 में से 1 गया तो 2। अब उसके पास 245 रुपये बचे हुए हैं। इस प्रकार से अब जोड़ने घटाने के ही इसमें सवाल है मुख्य। इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम ही इसको पढ़ देते हैं। नबीला की माँ ने उसे बाजार में कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा, उसने इसके लिए 245 रुपये दिए। यहाँ पे हमारे पास कितने रुपए बचे थे? जी 245 ही बचे थे। नबीला ने 127 में 1 किलो घी खरीदा, दुकानदार ने इसे 98 रुपये वापस लौटाए, क्या सही है ये? देखते हैं हम लोग। 127 245 में से अगर हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए हमें 118 रुपये, मगर दुकानदार ने सिर्फ 98 रुपये दिए, तो हमें दुकानदार से 20 रुपये, दुकानदार ने हमें कम दिए, 20 रुपये कम दिए हैं। हम जाएंगे जब आप वापस घर पे लेके घी और पैसे, तो मम्मी आपको डांटेगी और वापस भेजेगी, जाओ लेके आओ 20 रुपये और। तो आप आएंगे तो दुकानदार को समझ में आएगा कि अरे उसने गलत जोड़ दिया था। तो ये जोड़ने घटाने से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, यदि आप आता है आपको ये तो। ठीक है दोस्तों, आप इसको सीखें जोड़ना घटाना, और लेन देन करना भी सीखें। एक चीज़ और आप यहाँ सीख सकते हैं कि जो है नबीला ने 127 रुपये में 1 किलो घी खरीदा, आप आज का मूल्य जाके देख सकते हैं कि कितने रुपए में 1 किलो घी आता है, ये भी आप पता कर सकते हैं मार्केट में जाकर। इसी प्रकार से और भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आप उनको भी ट्राई करें। कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत है, ये सारे प्रश्न आप तैयार तो एक बार ट्राई करें। अगर किसी में भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझसे, या अपने घर के अपने स्कूल के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं उसका उत्तर। सभी का ध्येय यही है कि आप के दिमाग पे बिन ज्यादा जोर ना पड़े इसका, और आप आसानी से सरल भाषा में दैनिक जीवन में देखते हुए चीजों को सीखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करें, मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।